गौरव प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और प्यार भरे नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। इस सुबह के समय में एक और बार उसी वचन की ओर आपका ध्यान का आकर्षण करना चाहता हूँ जो बीते हफ्ता मैंने कहा था। कुलुसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, पहले उसका पांच पद को पढ़ेंगे। कुलुसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसका पांच पद। देखिए पौलुस कुलुसी कलीसिया के लोगों को लिखता है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की, ठीक है, जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। दृढ़ता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं आज भी आपसे कहा था कि आगे बढ़ने के बारे में ही प्रचार करूंगा, बढ़ते जाओ। दूसरा बात आज की प्रचार, आज विश्वास में बढ़ने के संबंध में मैं प्रचार करूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए भाई धर्म शास्त्र मतलब एक बार और पांच पद को मैं पढ़ रहा हूं। मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट में हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था? बोलिए, कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद उठा लिया गया है? आवाज नहीं आ रहा है, सबको मानते हैं, हाथ उठा के एक बार जोर से हालेलुया बोले। आपकी आवाज से ही आपका विश्वास समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन अभी हमारा साथ है कि नहीं है? है, लेकिन वो जिस तरह आप हमको देखते हैं, जिस तरह हम आपको देखते हैं, उस तरह हम प्रभु को किसी मनुष्य रूप में नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हमारा साथ है। पौलुस इसी बात को लिखता है, मैं दूर में हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन वो हमारा साथ भी है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, पौलुस लिखता है मैं दूर में रहते हुए शारीरिक तौर से दूर में हूँ, परंतु आत्मिक तौर से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे विधि के अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। विश्वास को देखकर के मैं प्रसन्न होता हूँ। एक असली पास्टर, एक असली सेवक, एक असली कलीसिया को चलाने वाला अगुआ, आप भले एक बोरा में पैसा बांध करके लाके चर्च में रख दीजिए, उससे वो कभी कुछ नहीं होगा, वो आपकी विश्वास से कुछ होगा, वो आपकी प्रार्थना से कुछ होगा, वो आपके आत्मिक हाव भाव से कुछ होगा, आपकी जीवन से मसीह में आप कितने गहरे हैं उससे वो प्रसन्न होगा। जिस तरह यहाँ पर मसीह में आपका चरित्र कैसा है, ये सब यहाँ पर इस्तेमाल किया हो, उससे वो खुश होगा। और यहाँ एक और बात लिखा है, तुम्हारा विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूं। विश्वास में तुम कितना दृढ़ है और मसीह में, मसीह के विश्वास में तुम्हारा चरित्र किस तरह मसीह के जैसे दिखाई पड़ती है, उससे मैं अति प्रसन्न होता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी सेवक आपके आत्मिक जीवन से प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है, अति प्रसन्न नहीं होता है, वो धोखाबाज है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, विश्वासी एक सेवक का रिश्ता कभी भी पैसा के साथ नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के साथ होना चाहिए, विश्वास का साथ होना चाहिए, प्रार्थना के साथ होना चाहिए। सेवक को विश्वासियों को उठा के खड़ा करने के इस प्रकार की रिश्ता सेवक को विश्वासियों के साथ होना चाहिए। जो भी सेवक वो करेगा वही सही सेवक है, उसका नजर हमेशा आपके आत्मिक जीवन को पर रहेगा, किस तरह आप प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह आप प्रभु के लिए काम करते हैं। एक बात याद रखिए, जो बरगद का गाछ होता है
उसमें क्या होता है, उसका स्वर नीचे आता है। और एक और जो पिपल के जो गाछ होता है वो क्या होता है, उसमें होता है, पिपल के गाछ बहुत बड़ा होता है, बरगद का गाछ काटाइए तो अच्छा सा समझा रहे, समझ लीजिए, एक ही बार आप पकड़ लीजिए, बरगद का गाछ पूरा गांव के लोगों को चाय दे सकती है, चाय दे सकती है, लेकिन जितने उससे लोग खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, उससे ज्यादा केला के पेड़ से लोग ज्यादा तृप्त होते हैं। केला का मालिक, मान लीजिए आपका एक बीघा जमीन है, ला करके 10 केला का अगर पेड़ वहां पर गाड़ दीजिएगा, 2 साल के बाद पूरा एक बीघा जमीन में केला का पेड़ दिखाई देगा, देगा कि नहीं, बोलिए क्यों? वो बच्चा पैदा करता है, पिपल पेड़ बच्चा नहीं देता, वो अपने जो है अपने में मगन है। आपसे मैं बोल रहा हूं, आप केला का पेड़ बनना चाहते हैं या आप पिपल पेड़ बन करके एक जगह में खड़ा होना चाहते हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा, अगर आप केला का पेड़ बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके जैसे विश्वासियों को प्रभु के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपके साथ चाहे पढ़ते हैं, आपका रिश्तेदार है, आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ गाड़ी में भी अगर कोई सफर करता उसको भी आप नहीं छोड़ेंगे, किसी ना किसी तरह एक केला पेड़, एक को लगाइएगा 100 हो जाता है, 100 को लगाइएगा 1000 हो जाता, उस तरह एक अच्छा प्रभु में परमेश्वर में अटल विश्वास रखने वाला, परमेश्वर के जैसे चरित्र रखने वाला, परमेश्वर के जैसे विश्वास में, जिस तरह परमेश्वर का वरदानों में एक वरदान विश्वास है, आत्मिक फलों में एक फल विश्वास है। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसी बोलते जा रहा हूं। आप पहला कुरिन्थियों में 9 अध्याय को बाद में पढ़िएगा, अभी नहीं, बाद में पढ़िएगा, वहां वरदानों के बारे में लिखा हुआ, उसमें एक वरदान विश्वास है। और गलातियों के पत्र 5 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां 9 फलों के बारे में लिखा हुआ है, उस फल में एक फल विश्वास है। जब ये विश्वास हमारा अंदर कार्य करेगा, इसका एक पहचान है, हम अपने जैसे औरों को प्रभु का विश्वासी बना के लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आप कितना अभी आगे बढ़े हैं इस विचार के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ, आप अपने आप को समझने पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, एक बड़ा विशाल पिपल पेड़ एक ही जगह में रहती है, उसे केवल छा मिलता है और उसका उसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है उससे लोगों को जरूर जरूर फायदा होती है, उससे ऑक्सीजन जो मिलता है इंसान के लिए वो आशीष का कारण बनता है, लेकिन उसको लोगों ने देवता बना दिया और अलग बात छोड़ दी, लेकिन वो लोगों को ऑक्सीजन देकर के दिला के रखते, अच्छा काम करते, ठीक है, लेकिन एक ही अलग से रहेगा, अपने में रहेगा, अपने में मगन रहता वो पेड़। लेकिन केला का पेड़ वैसा नहीं, एक पेड़ को अगर काट करके ऊपर काट के जड़ ले जाकर के कहीं गाड़ दीजिएगा, वो एक साल के अंदर अपने जैसा 100 पेड़ को फायदा कर देगा। आज एक विश्वासी को इस प्रकार प्रभु में बढ़ना, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है, वो आने के बाद हम सब किसी से हिसाब लेगा, उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़े, औरों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाले बन जाए। आप अपने में अगर जैसे भोजपुरी में बोलते हैं डिबलाते रहिएगा तो आपसे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने में अगर मगन रहेंगे, अपने में आप डगमगाते रहेंगे, आपसे किसी को कोई तरह का फायदा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन एक विश्वासी का पहचान पौलुस कहता है, परमेश्वर का जैसा चरित्र और परमेश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक बात को याद रखिए, परमेश्वर के जैसा चरित्र है, परमेश्वर में विश्वास के साथ दृढ़ होने के लिए हम बुलाए गए। जब तुम लोग ऐसा रहोगे, पौलुस कहता कलीसिया वालों से, जब तुम लोग ऐसा रहोगे, मैं नजदीक में रहो चाहे दूर में रहे, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दूर में रहते हुए आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। हालेलुया। एक इंसान अगर एक सेवक इस प्रकार एक कलीसिया के लोगों से कहेगा तो इसे मैं कहूंगा करोड़ों करोड़ गुना प्रभु यीशु मसीह है, वो दूर में रहते हुए हमारे पास है। अगर आपके पास है, आपकी बढ़ोतरी में उसकी खुशी है,
आपकी उन्नति में उसकी खुशी है, आपके आगे बढ़ने में उसकी खुशी है। कितना आप बढ़ते हैं, कितना आप परमेश्वर में दृढ़ हुए हैं, कितना आप परमेश्वर का चरित्र को अपनाए हुए हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय ये कपड़ा शरीर को ढकने के लिए, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम यीशु मसीह को पहन लिया। जितने आप बपतिस्मा लिए हुए हम सबको यहाँ है, जिस दिन हम बपतिस्मा लिए उस दिन हम प्रभु को पहन लेते हैं। जब हमको कोई देखेगा, हमारे बोली, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारे चरित्र, हमारे विश्वास के जीवन, पवित्र जीवन, प्रार्थना के जीवन, हमारी हर बातों में किसको देखना चाहिए? देखने वालों को परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमें से देखना चाहिए। मैं सात बात को जल्दी जल्दी बोलूंगा आगे विश्वास में बढ़ने के संबंध में, लेकिन उससे पहले दृढ़ होने के संबंध में एक बात को मैं बतला रहा हूं, एक भूमिका मैं आपको दे रहा हूं। दृढ़ होना, जब तक देखिए विश्वास की बढ़ोतरी कब होगी? बिना नींव के मकान नहीं बनती है। जब तक आप प्रभु में दृढ़ नहीं होंगे, दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आपके विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। कोई भरपेट गाना गाता है, गाना गाने के बाद जो ताली में कुछ बच जाता है उसको कोई पक्षी गाती है, कभी कभी कुत्ता भी किसी किसी घर में ध्यान नहीं देते तो चाट के गाता है। ध्यान दीजिए भाई बहन, आज आप प्रभु में किस प्रकार है इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब तक आपके अंदर परमेश्वर के प्रति दृढ़ता या दृढ़ संकल्प आपके अंदर नहीं है, तब तक आपके विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होगी। एक भरपेट गाने का व्यक्ति एक एक ताली में जो बच गया, या प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती है जो कानान की कानानी स्त्री, आके बोलती है हमारे बच्चे के लिए मदद कीजिए प्रभु। दुष्ट आत्मा उसको सताता है, आप उसकी सहायता कीजिए। तब वो कहता है प्रभु यीशु मसीह कि देखो बहन या स्त्री, देखो मैं इज़राइल की घराने को छोड़ के और किसी के लिए नहीं आया, मैं आया हूं इज़राइली को ले आया। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा एक शब्द बोलता है, जो बच्चों की काना है उसको हम कुत्तों को कैसे दे सकते? आप रहते तुरंत आप क्या करते क्या नहीं करते? आपको आप सोचिए उस जगह उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह इस तरह जवाब दे रहा है। कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ को ऐसे व्यवहार करता है कि हमको असली हमारे असलियत को जानने के लिए, हमारे असलियत को परखने के लिए, हमारे दिल की गहरा स्थान में क्या विचार है, क्या सोच है, क्या हमारे अंदर है, उसको देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस तरह के बातों को करता। उस स्त्री से प्रभु कहता है देखिए हम इज़राइल के लोगों के लिए, इज़राइल के घराने के लिए आए हैं, लेकिन हम अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब प्रभु साथ में इस बात को बोलता है, बच्चों का जो भोजन है उसको उठाकर हम कुत्तों को कैसे दे सकते हैं? तब उसके लिए स्त्री बोलती है भाई बहन आपके दिल में सच्चा अगर प्रभु का दृढ़ विश्वास होगी, जरूर परमेश्वर आपको साथ देगा, आप बढ़ते जाएंगे प्रभु में। इतना बोलने के बाद आप रहते हम रहते हम छोड़ के चले जाते, ये आदमी के ऊपर हम बेकार भरोसा करके विदेश से आए, एक देश छोड़कर दूसरे देश में आई, मान के चलिए नेपाल से अगर कोई यहाँ आकर के प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार मांगता है तो उसको जिस तरह होगा उसी तरह के बात है। यहाँ पर वो कानानी स्त्री है, वो दूसरा देश के रहने वाली, वो आती है इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन करके, तो प्रभु यीशु मसीह उसको इस तरह बोलते हमारे बच्चों को जो बना हुआ है, यानी हमारे बच्चों के लिए हमारे पास जो सामर्थ्य है उसको हम अन्य जातियों को दे नहीं सकते। इसी बात को इस तरह समझाता है, जो बच्चों के लिए बना हुआ भोजन है उसको कुत्तों को हम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए वो बोलती है प्रभु जी आपके बच्चों के लिए जो भोजन है उसको आप उन्हीं को दे दीजिए, लेकिन एक शर्त है, उन लोग दाने के समय में मेज से जो नीचे गिरता है ना छूट जा उसी से हमारा पेट भर जाएगा, उतने ही हमको दे दीजिए, हमको आपके बच्चों का बच्चों के लिए आप जो भोजन रखे वो हमें नहीं चाहिए। उन लोग दाने के समय में जो नीचे मेज से नीचे गिरेगा छूट जा उसी काम को दे दीजिए, ये विश्वास कैसा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ए स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा। आज आपका विश्वास कैसा है? कभी कभी मान के चलिए एक कोई कोई आपके हाथ में एक किलो सोना ला करके हाथ में दे देगा,
या एक किलो हीरा का पत्थर ला करके आपके हाथ में दे देगा, आप उसकी कीमत मालूम नहीं होने के कारण आप उसको पत्थर के साथ पत्थर जैसा उसको रख देंगे। एक आदमी ऐसा किया था, एक आदमी ऐसा किया था, उसको किसी समुद्र के किनारे जाने का मन था। वहां जाने के बाद इतने समुद्र का पानी उसको घेर लिया और टापू में फंस गया था। फंसने के बाद एक जगह में वो बैठता है, वहां पर वहां एक पत्थर जैसे गोल गोल अलग अलग डिजाइन में कुछ पत्थरे वहां पर एक साथ एक जगह में रखा हुआ था। उसको उसने देखा, देखने के बाद वो तो आज पहले से निराश और उदास होने के कारण उस पत्थर को बगल में देखा, वो एक एक करके उठा के समुद्र में मारता रहा, सब कुछ समुद्र में मार दिया, एक दो बच गया। उस समय में दूर से एक छोटा सा जहाज आते हुए देखा, जहाज में जहाज नजदीक आया, जहाज में से कुछ लोग उतरे, उस आदमी से पूछे कि आप यहां क्यों। उसके लिए वो व्यक्ति बोलता, मैं गलती से यहां पहुंच गया। अच्छा छोड़ो, चिंता मत करो, जब हम लोग इधर से निकलेंगे तुमको भी हम बचा के ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे। तब बगल में वो जो दो तीन पत्थर बचा हुआ था उसको वो व्यक्ति देखने, जो जहाज से आए, उसको देखने के बाद वो एकदम सीना फाड़ के चिल्ला करके खुशी से मगन हो गया, यानी पत्थर को फाड़ के खुशी से मगन हो रहा, इतना खुश हो गया वो उस पत्थर के देखने के बाद। तब उससे पूछा था, ये क्या जो उठा करके पानी में फेंका था, ये व्यक्ति उससे पूछता है क्या। उसके लिए वो बोलता है, इसका कोई कीमत नहीं, अगर इस तरह 100 पत्थर को आपके पास अगर हो जाएगा तो पूरा दुनिया को खरीद लोगे। तो बोला, 50 से ज्यादा मैं पानी में मार दिया। कभी कभी हम भी यीशु मसीह को वैसे ही समझते हैं, वो हमारे पास रहने के चलते, हमारे घर में रहने के चलते, हमारे मन में रहने के चलते, आराम से उसके बारे में आम ज्ञान मिलने के चलते हम उसको अलग समझ लेते हैं। इस सुबह के समय में गंभीरता से मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इस बात को गंभीरता से लीजिए, जब तक आप परमेश्वर पर दृढ़ नहीं होंगे तब तक आपके विश्वास में आप बढ़ नहीं सकते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है दृढ़ता के बारे में, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसकी मैं आज दो बात को आपके सामने रख रहा हूं। दृढ़ता के बारे में तो एक भूमिका मैं आपको दे रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, उसमें हम 42 पद को पढ़ेंगे। दृढ़ता के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र क्या बतलाते हैं, किस तरह बतलाते हैं, प्रेरित लोग इसके बारे में क्या बतलाते हैं, पढ़े। और प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन, प्रार्थना करने में वे दृढ़ रहे। लौलीन और दृढ़ दोनों बराबर शब्द है, वे दृढ़ रहे। ध्यान दीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं, यहीं पर आपके विश्वास में आगे बढ़ने का रास्ता, यही नींव है। जब तक आपके अंदर दृढ़ता नहीं है, एक संकल्प भरी दृढ़ता भरी जीवन आपके अंदर जब तक नहीं होगी तब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते। जब तक विश्वास में आप नहीं बढ़ सकते, विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जो कुछ देने के लिए वायदा किया उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। भले एक मुट्ठी आशीर्वाद प्रभु से हमको मिल जाएगा, परंतु बोरा बोरा जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ दृढ़ होने के लिए उन दिनों में विश्वासी लोग क्या किए थे, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, वहां की आदि कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह की स्थापना किया हुआ कलीसिया के विश्वासी लोग परमेश्वर में दृढ़ होने के लिए, परमेश्वर की बातों में दृढ़ होने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए वे किस तरीका को अपनाए, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। आदि आदि कलीसिया के विश्वासीगण वे मिल करके प्रेरितों में प्रेरितों से शिक्षा पाने में, आप जितना शिक्षा पाएंगे उतना आप दृढ़ होंगे। ध्यान दीजिए, आप एक दिन में 1000 पत्थर उठा के यहां से आप उत्तर प्रदेश फेंक देंगे, यहां से आप पश्चिम बंगाल फेंक देंगे, उतना आपके लिए शरीर में ताकत है। अगर आप ये शिक्षा पाने में आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा,
परमेश्वर से आप कुछ नहीं पा सकते, हजार ईंटा फेंकने का मजदूरी भले आपको मिल जाए। बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई बहन, वो इस संसारिक जीवन के लिए मजदूरी है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें परमेश्वर से मजदूरी चाहिए। वो मजदूरी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें मिलेगी। वो मजदूरी क्या है? स्वर्ग राज्य में कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करना होगा उसके लिए यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पहले आपको दृढ़ होना होगा, तभी आप विश्वास में आएंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने, रोटी तोड़ने मतलब खाना पीना बना करके, मुर्गा भात बना के लोग खाते पीते नहीं थे, प्रभु भोज में शामिल होते थे। आप प्रभु भोज में कितना ईमानदारी के साथ शामिल होते हैं, आप प्रभु भोज का अगर हल्का समझते हैं आपका आत्मिक जीवन भी हल्का ही रहेगा। वो कभी भी सही तरह से नहीं हो सकता, कमजोर रहेगा। एक बीमार आदमी जिस तरह रहता उसी तरह आपके अंदर आत्मिक रोग लगा हुआ रहेगा, क्योंकि आपको संसारिक काम संसारिक पैसा कमाने की चिंता है, इसलिए संसार के पीछे 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 भागते रहते हैं। संसारिक बातों में भले हो सकता है आप किसी दिन लाखपति करोड़पति हो जाएंगे कमाते कमाते, लेकिन परमेश्वर के सामने भिखारी जैसे रहेंगे, क्योंकि आत्मिक ताकत आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, परमेश्वर का रोटी तो नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीते महीने कितना लोग बपतिस्मा लिए, लोगों में कितना लोग प्रभु बोध नहीं लिए? आप उस पर ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के इनकार करते हैं, क्या दिन में अगर नहीं आ सक रहे तो आप एक फोन नहीं कर सकते हैं, भैया हम शाम को आ रहे हैं, हमारे लिए प्रभु बोध दीजिए। आज आप अपने कमजोरी को पकड़िए, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है, क्यों परमेश्वर के करीब में नहीं आ पा रहे? एक बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी नहीं, एक बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी नहीं, थोड़ा बहुत प्रभु के प्रति विश्वास है। एक वचन को पढ़िएगा, इसी किताब में दस दिया है, पहला पद से पढ़े, जल्दी पढ़े, समय का अभाव है, पढ़े। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम है एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम भजन का सुबेदार था, वो भक्त था, वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर ये विश्वासी नहीं है, भक्ति करता था, थोड़ा बहुत यीशु के बारे में मालूम है, भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अभी विश्वासी नहीं हुआ, डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के पिछले पार के निकट दर्शन स्पष्ट रूप से देखा, दर्शन में अपने घर में स्वर्गदूत को देखा, और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत भीतर उसके पास आकर के उसे कहता है कि हे कुर्नेलियुस, उसने उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण किए स्मरण के लिए परमेश्वर का सामने पहुंचा है। भाई बहन ध्यान दीजिए, ये आपके जैसे बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी नहीं, किसी ने इसको थोड़ा बहुत यीशु मसीह के बारे में बोल दिया, उतना ही भक्ति में इतना हो गया, इनके घर में स्वर्गदूत आता है, ना बपतिस्मा लिया है ना कुछ है, लेकिन इनको किसी ने सिखाया भी नहीं है परमेश्वर के प्रति इतना अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास, अब से लोगों को दान देने में माहिर, और उसके घर में स्वर्गदूत आके उसके सामने बात करता है। जब कभी इस प्रकार के वचनों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर भूख प्यास बढ़ना चाहिए, क्यों मेरे साथ ये नहीं हो रहा? आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा, आप इस बात का समझते हैं। अगर आप गंभीरता से समझेंगे, मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूँ, रविवार के दिन अगर आपको काम रहता है जरूर काम पे जाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन 1 बजे के बाद आप घर आ जाते हैं, 2 बजे के बाद घर आ जाते हैं, 3 बजे के बाद घर आ जाते हैं, कितना परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास आपके अंदर है। क्या शाम के आराधना में आके आप शामिल नहीं हो सकते? क्या आप प्रभु बोले सेवक को बोल करके तैयारी करने के लिए नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बढ़ रहे आप आत्मिक जीवन में? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है साफ तौर से कि
वे दूसरी अध्याय 42 पद में प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय और उसकी 42 पद में वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में दृढ़ लगे हुए थे, लवलीन थे। आज आप कितना दृढ़, कितना लवलीन है। जब आप परमेश्वर की इन बातों में शिक्षा पाने में, परमेश्वर का वचन को सीखने में और संगति करने में और रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज में शामिल होने में और परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के लोगों के साथ प्रार्थना में बने रहने में आप अगर लवलीन रहेंगे, मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूं, जरूर आपकी विश्वास की बढ़ोतरी होगी। अन्यथा जिंदगी भर इसी तरह रह जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप मन में टाल लिए रहने दीजिए पास्टर जी इतने ही हमारे लिए काफी है, तो आप यहीं पर रहेंगे, इससे आगे कभी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आपको बढ़ोतरी वो चाहिए तो मैं आपसे कह रहा हूं किस प्रकार की बढ़ोतरी हो रहा है। नीचे 47 पद को पढ़ेंगे, पढ़े 47 पद। और वे ये सब पाने के बाद, शिक्षा पाने के बाद, रोटी तोड़ने के बाद, संगति करने के बाद, प्रार्थना में लवलीन होने के बाद परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न रहते थे और जो उधार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनकी कलीसिया में मिला देता था, शामिल कराता था। आज आपसे मैं कह रहा हूं जब कभी परमेश्वर का वचन को सुनते हैं आपके अंदर लगना चाहिए। आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं जहां आप काम करते हैं, कितने लोग खुश है आपसे। अगर दो ही बात से आपसे लोग खुश हो सकते हैं, उनकी हर बातों में अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हैं आपसे सब कोई खुश रहेगा। अन्यथा जो परमेश्वर से आप पाए आत्मिक ताकत, उस ताकत पे जब आप उनको मानिएगा तब उनको अच्छा लगेगा, आपसे खुश होंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। एक माला पहने तो पतंग मारेंगे, ये ना होगा। तो आप कौन सा रास्ता को चुने? अगर आप परमेश्वर में उसकी उसकी वचन में, संगति में और रोटी तोड़ने में, प्रभु बोल लेने में, प्रार्थना करने में अगर आप लवलीन दृढ़ रहेंगे, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आपका विश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहां पर ये तो शुरुआत की बात है, कुछ समय सेवकाई में आगे बढ़ने के बाद बाइबल धर्मशास्त्र बताती है कि वे किस प्रकार परेशान होते थे, किस प्रकार वे 4:19 पद को पढ़ेंगे, किस प्रकार वे सताए जाते थे, संघर्ष भरे जीवन को वे सामना करते थे। 19:20 पद को पढ़ेंगे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ये न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है। वे लोग विरोध करते हैं, ये पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के चेलों से बोलते मुंह बंद कर, यीशु का प्रचार मत करो। उसके लिए उन लोग बोलते हैं, बोले पड़े तुम ये न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, क्या ये परमेश्वर का निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यार तो देखिए जो दृढ़ रहता है ना वो सही जवाब बोलने वालों को देता है। उनके साथ भोजपुरी में सबसे तेला बेला 19:20 नहीं करता सीधा बात, वो 19:20 करके उनको मन को मोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। भैया आप हमारे बात अच्छा लगे तो अपनाओ, नहीं तो हमको छोड़ो, हमको प्रभु के साथ रहना है, लेकिन हम आपके साथ नहीं चलेंगे। आज आपका जीवन कैसा है अपने आप को समझिए। आप अगर गार्जियन हैं, आप अपने आप को नहीं इस तरह समझिएगा, आपके बच्चे भी विश्वास में कमजोर रहेंगे। अगर आपके विश्वास, आपके बच्चों को विश्वास में दृढ़ मजबूत अगर परमेश्वर के लिए तैयार करना है, उनका आगे बढ़ाना है, पहले आप इस लाइन में आइए। लिखा है कि वो लोग कहते हैं क्या हम परमेश्वर की बात को छोड़ दें, क्या हम आपके बात को मान जाए कि ये सही होगा। बड़े विश्वास में लिखा है क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। जो हमने देखा, आप कभी इस तरह कभी कहीं जवाब दिए हैं, कभी कहीं जवाब दिए इस तरह, यह तो हमसे कहीं नहीं हो सकता।
दिनेश बाबू के घर में प्रचार हो रहा था, उस समय कुछ मसीह विरोधी लोग आ गए थे बनाघट्टा में, हम कहा के पीट में मारे। मारने के बाद दिनेश बाबू से पूछे, वो लोग बोले क्या जी हम लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, ये इन लोगों को क्यों बुला रहे अपने घर में। दिनेश बाबू एक ही जवाब दिए, मंजीत भी बोले, दोनों मिलकर एक ही जवाब दिए, हाँ जी हम लोग क्रिश्चियन है, आपके क्या है यहाँ पर, हमारे पास्टर आने से आपको क्या दिक्कत है। देखिए समय आने पर ही आदमी का रंग दिखाई देता है। इन लोगों ने उनको जवाब दिया, हाँ जी हम लोग क्रिश्चियन है, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम और कोई देवता को नहीं मानते, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ये हमारा पास्टर, हम लोगों ने इनको बुलाया, ये अपने मन से नहीं आए। देखिए बयान कितना जबरदस्त है। तब तक उसका एक और आदमी आया, उसको उन लोगों को लेकर के गया, तब हम और हेमंत दोनों वापस हुए। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यह लिखा है यह तो हमसे नहीं हो सकता, सीधा बात, हम परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे, क्यों हटेंगे। लिखा है नीचे कि जो हमने देखा और सुना और जो हमने प्रभु यीशु मसीह से सुना वह न कहें, वह क्या हम न बोलें। आज आप आज तक कितना आप सुन सुन के आपके दिमाग में पूरा भरा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों का प्रभु के बारे में समझाए, बैठा के सिखाए। भाई बहन सुबह के समय में आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, चाहे आप यहाँ बैठ कर के सुनते हैं, चाहे बहुत दूर में गूगल मीट के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे आप बाद में कभी इस संदेश को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं सबको एक साथ लपेट करके बोल रहा हूँ, कितना आपने यीशु के देखा, कितना आपने यीशु का सुना, कितना आपने उस बातों को दूसरों को समझाया, ये सब काम वही लोग करेंगे। जैसा यहाँ यूहन्ना और पतरस कहते हैं, ऐसे ही लोग कहेंगे, क्योंकि वे प्रभु में दृढ़ और मजबूत लवली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना पेड़ ऊंचा जाता उतना पेड़ का शोर नीचे जाता, जितना आपका जड़ मजबूत है उतना आपका शब्द भी मजबूत रहेगा, आपके बोली लड़खड़ाएगा नहीं। अगर आप परमेश्वर में मजबूत है, दृढ़ है, लवलीन है, तगड़ा बनता बन जाते हैं, आपका बोली कभी भी सुनने वालों को कंफ्यूज असमंजस में नहीं ले जाएगा, गुमराह नहीं करेगा, एकदम आपके बोली में क्लैरिटी सफाई रहेगी। कोई भी आप कोई भी शब्द बोलेंगे, कोई भी बात बोलेंगे, सुनने वाला का कान एकदम खड़ा हो जाएगा, क्यों, आपका आपका जड़ उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। आपको शक्ति बल सामर्थ बुद्धि और ज्ञान वहां से आता है। ताली बजा के परमेश्वर का पौलुस कहता है 20 अध्याय इसी किताब में, थोड़ा सा तुरंत ही पढ़ करके 20 अध्याय इस दृढ़ता के बारे में, जो भी व्यक्ति प्रभु में दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा, मजबूत रहेगा, उसका बोली ऐसी ही होगी, कंफ्यूज नहीं करेगा, असमंजस में लोगों को डाल के नहीं रखेगा, लोगों को सही शब्द यही है अंधेरा में नहीं रखेगा। देखिए हम बोलचाल भाषा में अंग्रेजी में ही बोलते हैं, आदमी को डार्क में रखता है, उसका बोली आदमी को डार्क में रखता है, अंधेरा में रख देता है, वैसा नहीं रहेगा हमारा बोली, हमारी बातचीत, हमारी कोई भी शब्द दूसरों का हम तो खोल देगा, रोशनी आ जाएगी, उत्तर हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा जड़ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ। हालेलुया, हम उसमें दृढ़ हैं, हम यीशु में मजबूत हैं, हम यीशु में लवलीन रहते हैं, इसके चलते हम डगमगाते नहीं, लोगों का अंधेरा में नहीं डालते, साफ तौर से बोलते। लिखा है पौलुस के बारे में 20 अध्याय और उसमें हम 22 वर्ष से पढ़ेंगे, 20 का 22 मैं आत्मा बंधा हुआ, ठीक है, यरूशलेम को जाता हूँ, मैं जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर, मैं नहीं जानता वहाँ मेरे साथ क्या होगा, वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा मुझे मालूम नहीं है। पढ़े पढ़े पढ़े, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता, गवाही दे दे कर मुझसे कहता कि बंधन और क्लेश तेरे लिए
यज्ञ में रखा हुआ तैयार है जो तुम्हारा इंतजार करता है। आप रहते क्या करते? यरूशलेम नहीं जाते। हम रहते क्या करते? यरूशलेम नहीं जाएंगे। अरे भाई वहां तो बंधन होगा, वहां हमारे लिए क्लेश है, इंतजार कर रही है हमारे लिए, हम क्यों वहां जाए? उससे अच्छा कहीं डूब जाए, उससे अच्छा कहीं भाग जाए, उससे अच्छा हमको उस दशा में ना जाना है, हम ना जाके हम दूसरी दशा में निकल जाएंगे। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मसीह में दृढ़ था। मैं आपसे बारंबार कह रहा हूं, रटा रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए, जितना आप मसीह में दृढ़ होंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। जितना आप मसीह में अटल रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उतना ही आपका विश्वास आगे बढ़ेगा। लिखा है 24 पद में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे मेरा प्राण को मैं प्रिय जानू, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उसकी प्रभु यीशु मसीह के दिया हुआ सेवकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से मैंने पाई है। भाई बहन ध्यान दीजिए, दृढ़ता देखिए, शब्दों में आग उगलता। अगर आप विश्वासी हैं, आपकी बोली को या आपकी आवाज को, आपको शब्दों को सुनने वालों को यह मालूम होना चाहिए व्यक्ति यीशु मसीह को मानने वाला। अगर आप अपने ऊपर एक पर्दा लगा करके घूम रहे हैं तो आपका विश्वास कभी भी अटल नहीं होगा, कभी भी विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होगी, कभी भी विश्वास आपका तगड़ा नहीं हो सकता, कभी भी विश्वास के द्वारा आप बड़े काम परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर में कमजोर हैं। जब बच्चा जन्म लेता है मां उसको पिलाती है, दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चा को समझ और बुद्धि नहीं है कि माँ हमको भूख लग रहा है दूध पिलाइए, नहीं बोलता कोई बच्चा। कभी कभी बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है, दूध पिलाती है, खाना पिलाती है। आप इतने प्रभु में 5 साल हो जाता है, 5 साल बच्चा को माँ दूध पिलाएगी, समाज के लोग क्या कहेंगे? 10 साल का बच्चा को माँ छाती पर सुला करके अगर दूध पिलाएगी, समाज के लोग क्या समझेंगे? 15 साल का 17 उम्र का बच्चा को अगर माँ दूध पिलाएगी, लोग क्या कहेंगे? मसीह में आए हुए आपका कितना साल हुआ है? आज आपका विश्वास कैसा है? कितना आप मसीह में मजबूत है? आपका जड़ कितना मजबूत है? आज आप मजबूत है और प्रभु में अटल है, प्रभु में आप तगड़ा हो गए हैं, या अभी भी कमजोरी का गीत गाते हैं? आज अपने बारे में सोच के आप सोच कीजिए, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं, मैं मेरे अंदर कितना कमजोरी है। जन्म से मैं मसीह, 10 साल से मैं मसीह को मान रहा हूं, 5 साल से मैं मसीह को मान रहा हूं, 15 साल से मैं मसीह को मान रहा हूं, मेरे अंदर वो अटलता नहीं है, मेरे अंदर वो दृढ़ता नहीं है, मेरे अंदर वो संकल्प नहीं है, उसके चलते मैं कमजोर। आज अफसोस कीजिए, अगर 10 साल होने के बावजूद भी आपका विश्वास आपको आज तक तगड़ा नहीं बनाया है, एक 10 उम्र का बच्चा मां का दूध पीने के जैसा ही आप प्रभु में, इसलिए आप अपने बारे में अफसोस कीजिए। पौलुस यह कहता है, मैं अपना प्राण को प्रिय नहीं समझता, मैं जाऊंगा मसीह के लिए, पवित्र आत्मा मुझे बतलाता है कि तुम्हारे लिए वहां बंधन होगा और तुम्हारे लिए वहां पर क्लेश होगा, तुम्हारे लिए लोग मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुमको मार डालेंगे, परवाह नहीं, मैं मसीह के लिए मरने के लिए तैयार। कितने लोग मसीह के लिए मरने के लिए तैयार? दोनों हाथ उठा के जोरदार हालेलुया बोलते ईश्वर के नाम की स्तुति हो। थोड़ा आपके अंदर गर्मी आ रही है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पौलुस खाली बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं था। दूसरा तीमोथी की पत्री, उसके जीवन को देखिए, दूसरा तीमोथी की पत्री उसकी 4 अध्याय 6 पद से लेकर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़े। दूसरा तीमोथी उसकी 4 अध्याय उसमें 6 पद से पढ़े। क्योंकि मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरा कुछ का समय, मुझे कुछ के लोग मार डालने का समय अभी आ पहुंचा। मैं मसीह के लिए, मेरा प्रभु के लिए मैं अच्छी कुर्ती लड़ा हूँ,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपना दौड़ सेवकाई को पूरा कर दिया, कर लिया। मैंने विश्वास के रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझसे मुझे मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, कि जो उसके यीशु मसीह को प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। भाई बहन इसके यहाँ एक बात और जोड़ा जा रहा है, जो मसीह में दृढ़ होता है उसका विश्वास बढ़ती है और वो अपना विश्वास को तामे रहता है। और यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर इसी तरह लिखा है, मैंने अपना विश्वास को विश्वास की रखवाली की। मैं अपना विश्वास को ताम लिया, मैं अपने विश्वास को रखवाली की है, मैं अपने विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं। जो भी विश्वास में आगे बढ़ेगा उसका अगला परिणाम जो दृढ़ होता है और मजबूत रहता है मसीह में, वो विश्वास में बढ़ता है। जो विश्वास में बढ़ता है उसका एक अगला परिणाम परिभाषा कि प्रभु यीशु मसीह के आने का बाट जोड़ते रहे। आप कहां पर कम हैं, आप कहां पर कम पाए जाते हैं, किस जगह में आपके अंदर ये रोग लगी है कि ना दृढ़ हो पा रहे, ना विश्वास की रखवाली कर पा रहे, ना प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कहां पर आपकी बीमारी है इस सुबह के समय में? आपके अलावा आपके बीमारी को कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर भी पूछता है, बाबू क्या बात है, बोली। अगर आप बोलेंगे कि डॉक्टर जी आप समझ करके दवा दे दीजिए, तो वो समझेगा इसको तो पागल खाना भेजना चाहिए, बोलेगा कि नहीं। डॉक्टर के पास आप जाके बैठेंगे, आप बोलेंगे कि डॉक्टर आपसे पूछेगा, आपको ना बोलना है, आप बोलिएगा कि डॉक्टर जी आपने समझ करके 10 रंग में दवा दे दीजिए, हम लेके चले जाएंगे, तब समझेगा ये तो पागल पागल खाना में इसको जाना चाहिए। भाई बहन इस समय को बहुमूल्य समझ करके मैं आपसे कह रहा हूं, जब परमेश्वर में कोई व्यक्ति मजबूत होता है, अटल होता है, दृढ़ होता है, उसका विश्वास बढ़ता है। जब उसका विश्वास बढ़ने लगता है वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की इंतजार करता है। ये तीनों अगर किसी बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी के अंदर नहीं हो रहा है, कहीं रोग लगा है, कहीं बीमारी है, कहीं कमजोरी है, कहीं दुर्बलता है, तो गाड़ी को गैरेज में ला के छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा ये तीनों बात अगर आपके अंदर अभी तक जमा नहीं है, एक दिन काम छोड़ दो, आके यहाँ पर यही गैरेज है, सभी गाड़ियों को ठीक करने का जगह यही, आकर के एकदम उपवास के साथ प्रार्थना करो, प्रभु से कहो प्रभु मैं दृढ़ नहीं हो पा रहा, मैं मजबूत नहीं हो पा रहा, मैं आपके अंदर अटक नहीं हो पा रहा, मैं आपके प्रति कोई संकल्प नहीं ले पा रहा। जो विश्वासी संकल्प नहीं लेता उसका दिल सुन्न हो गया, वो एक लकड़ी कटा हुआ पेड़ का लकड़ी का बोटा समान, उसके अंदर आप चाकू मारिए, चाहे उसको बंदूक से मारिए, चाहे उसको आप कुल्हाड़ी से काटिए, चाहे उसको आरी से काटिए, चाहे रंदा से काटिए, कुछ कीजिए उसके साथ, उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पेड़ नहीं है, पेड़ से कटा हुआ लकड़ी है जो सूखा हुआ है, जिसका अंदर कोई जान नहीं। कभी कभी दृढ़ता की बातों में मसीह में, अटलता की बातों में मसीह में, संकल्प लेने के बातों में मसीह में, मसीह के लिए मजबूत होने के बातों में मसीह के लिए, मसीह में अगर हम कमजोर रहते हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं वचन को लेकर रात में, कि आपका आत्मिक जीवन और आपके विश्वास के जीवन में कभी भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं विश्वास के जीवन में बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती है। अगर दोनों पैर नहीं, आदमी कैसे सीधा खड़ा हो पाएगा जी? घर का नींव नहीं बनाया तो घर कैसे सीधा खड़ा हो सकता है? पेड़ का जड़ अगर उखड़ा हुआ वो पेड़ कैसे सीधा हो सकता है जमीन में? भाई मन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप प्रभु में मजबूत दृढ़ अटल और संकल्प लेने की जगह में नहीं आते तब तक आपके विश्वास की बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती है। इस बात को रखते हुए
15 मिनट समय ले रहे हैं, सात बात को फट फट से बोले क्योंकि आपको बहुत सिखाने के मन है। अभी 45 मिनट प्रचार की और 15 मिनट बोल रहा है, लिखिए, लिखना तो 1 2 3 4 5 7 करके फटाफट बोल रहा हूँ, सुन लीजिए और लिखिए। नंबर वन, विश्वास में पढ़ने के बारे में, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से, यीशु मसीह के चेले पूछते हैं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसमें 5 पद, नंबर ये विश्वास की बढ़ोतरी के लिए पहला रास्ता यहीं पर लिखा हुआ। रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि 5 पद, तब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। नंबर एक पहला से यही पर है, मैं आपसे बारंबार बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास में बढ़ने के लिए आपको प्रभु के पास आना होगा, प्रभु से कहना होगा, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाइए। ये लोग कौन है? लूका 17 अध्याय का 5 पद ध्यान दीजिएगा, लूका 17 अध्याय का 5 पद, ये लोग कौन है? भाई धर्म शास्त्र में लिखा है, प्रेरित करके लिखा है, प्रेरितों चेलो प्रभु यीशु मसीह के साथ रात दिन रहने वाले, ध्यान दीजिए सबको, यहाँ पर रात दिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग है, रात दिन यीशु मसीह के साथ चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के सेवा में उसके साथ ये लोग साथ देते थे, लगे रहते थे। उन लोग अचानक एक दिन प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी दया से हमारा भी विश्वास को बढ़ाइए। जब तक आप प्रतिदिन इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कीजिएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं प्रभु से। जब तक जो कुछ आपसे नहीं हो पा रहा है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा है, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं जितना काम किया हूं वो सब भी करेगा, इससे भी बड़ा काम करेगा। ताली बजा के आप उसकी कम से कम उसकी बराबरी में काम करने लायक अपने आप को विश्वास में मजबूत कीजिए। यह विश्वास तब आपके अंदर मेरे अंदर आएगा जब हम उससे कहेंगे, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाए। भीख मांगने वाला, मान लीजिए मैं एक भीख मांगने वाला, दोनों हाथ को पैकेट में लगा और बोलू, साहब माई बहनी भाई बच्चे हमको पैसा दो, मैं भीख मांगा हूं, दो देंगे तो लगता है इसको ज्यादा चर्बी चढ़ेगी, इसलिए पैकेट में हाथ लगा के बात करता। भाई बहन आपके बारे में बोल रहा हूं, आप जितना परमेश्वर के सामने झुकेंगे विश्वास के वरदान को पाने के लिए उतना वो आपको जरूर देगा। विश्वास के साथ रहने वाले थे ये लोग, एक दिन प्रभु से बोलते हैं, प्रभु जी हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा विश्वास को बढ़ाए, प्रभु बढ़ाया। अगर यीशु मसीह के साथ ये लोग प्रार्थना नहीं किए होते, नतीजा मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए गंभीर बात को बोल रहा, बहुत मुख्य बात को बोल रहा, अगर ये लोग यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किए होते, यीशु मसीह के साथ ये लोग नाटक दिखाए होते, सामने यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा चेला जैसे विश्वासी जैसे दिखा के अगर भीतर अविश्वास करने वाले होते, हिंदुस्तान के लिए यीशु मसीह का प्रचार सुनाने के लिए कौन नहीं आता। आज आप और हम अंधकार में रहते, ये लोग अपने दिल की बात को प्रभु से, प्रभु को सुनाते हैं, प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु हम लोग आपके साथ है लेकिन आपके जैसे नहीं, हम लोग आपके साथ है लेकिन आपके जैसे नहीं, हमारा विश्वास को बढ़ाया प्रभु, बढ़ाया। इसीलिए प्रभु जिस तरह मरे हुए लोगों को जिलाया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलने दिया, बीमारों को, दुष्ट आत्माओं में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह की तरह उससे भी ज्यादा प्रेरित लोगों ने बहुतों के लिए आश्चर्य और अद्भुत काम करके इस सामर्थ्य वचन का प्रमाण दिया। ताली बजा के आज आपका विश्वास अगर कमजोर है प्रभु सुना, अगर आप अटल हैं, बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कमजोरी आपके अंदर है तो प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए। नंबर टू, रोमियो के पत्र 10 अध्याय और उसकी 17 पद, रोमियो के पत्र उसके 10 अध्याय के 17 पद, यहाँ पर विश्वास की बढ़ोतरी का रास्ता बतलाया जा रहा है, पढ़े। अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास
परमेश्वर का वचन को सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह यीशु के वचन से होता है। जब आप यहाँ आते हैं, कितना कान खोल करके मन लगा करके परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उसी के अनुसार आपका विश्वास बढ़ेगा। यहाँ मेला में आके बैठने के जैसा अगर बैठ करके इधर उधर करते रहेंगे, आपका विश्वास कभी भी बढ़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा विश्वास में बढ़ोतरी होती है, बाय हियरिंग एंड हियरिंग अगेन एंड अगेन हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन को बारंबार सुनने से हमारी विश्वास बढ़ती है। आज हम परमेश्वर का वचन का कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, बहुत बातों में बहुत मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए दिल में कितना जगह दिए। अगर आपके आपके कमजोर यहाँ पर हैं, तो आज आप मन फिराइए, प्रभु के पास चले आइए, तब जरूर आप भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। नंबर थ्री, इसी अध्याय चौदह अध्याय उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, कई बार हम इस जाल में फंसते हैं। रोमियो तो कहते हैं उसकी 14 अध्याय 14th चैप्टर 23rd वर्स उसकी 23 पद की आखिरी लाइन को पढ़ेंगे। और जिनको विश्वास से नहीं करता, उसके लिखा जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप। आपके पास आपके घर में बिना विश्वास के अगर कोई चीज को आप कहीं से ला कर रखे हैं, प्रभु नहीं दिया है, तो वो क्या है, आशीर्वाद है, बोल नहीं रहे, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, तो उसके भी जवाब नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लिखा है यहाँ पर जो कुछ आपके पास है अगर वो विश्वास के साथ नहीं है वो पाप है। कभी कोई चीज आपको अच्छा लगता है, तुरंत अगर आप मांगते हैं वो विश्वास है पाप है, बोलिए, बोल नहीं रहे। मेरा घड़ी आपको अच्छा लग रहा है, चाहे आपका जूता हमको अच्छा लग रहा है, मैं तुरंत बोलो जूता अच्छा लग रहा है, हमको दे दीजिए, दो महीने के बाद लौटा दे, कोई कोई लौटाने के बाद ही नहीं करता, दे दीजिए, सीधे ही बोल देते। तो ये बताइए, ये विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मिल रहा है या लालच के कारण हम मांग रहे हैं, बोलिए। आप विश्वास में है, इस बात को विश्वास में ले लेंगे या इसको लालच में लेंगे, अविश्वास में लेंगे। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हमारे लिए जो भी चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:14 में, अभी तक तुम लोगों ने मेरे नाम से मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तब हम तुमको दे मैं दूंगा। मांगने से देगा, आप परमेश्वर से मांग के देखिए, परमेश्वर आपको जरूर देगा। ये तीसरी बात। चौथी बात पढ़ेंगे गलातियों के पत्र, विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, विश्वास की बढ़ोतरी के लिए गलातियों के पत्र और उसकी 5 अध्याय गलातियों के पत्र उसकी 5 अध्याय उसमें हम पढ़ेंगे 6 पद से लेकर पढ़ेंगे, आराम से थोड़ा पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे आराम से, 6-8 पद को पढ़वा रहे, ध्यान दीजिए। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहे कुछ काम का है, ठीक है, परंतु केवल विश्वास। मसीह यीशु में रीति रिवाज के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप मसीह में आ जाते हैं, मामों को कुछ करने के लिए, चाचा को कुछ करने के लिए, बड़े पापा को कुछ करने के लिए, समाज को कुछ करने के चक्कर में रहिएगा, विश्वास आपके अंदर मर जाएगा। अगर आप विश्वास के आधारित है आपका जीवन, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप परमेश्वर को क्या करेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि परंतु केवल विश्वास, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें अविश्वास का बात बोल करके तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो, कि सत्य को न मानो, ऐसे सिख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, ऐसे शिक्षा उपदेश वचन तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई बहन, परमेश्वर जो हमारे लिए सिखाया है वो इस बाइबल धर्मशास्त्र में, इसके अनुसार हम अपने जीवन को बदल ले। आपके साथ काम करने वाले आपके यार दोस्त रिश्तेदार
या आपके समाज के बातों को लेकर के अगर यीशु मसीह को आप मानना चाहेंगे, आठ पद में लिखा है ऐसे ऐसे सीख या शिक्षा या उपदेश तुम्हारा कलीसिया के अंदर बुलाने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं है। सीधी बात, पानी और तेल का मेल नहीं होता, ध्यान दीजिए दोबारा बोल रहा हूं, पानी और तेल का मेल नहीं होता। भले खाना बनाने के बाद वो दोनों मिल जाता है, लेकिन एक गिलास पानी एक गिलास तेल को मिला करके अगर दोनों अलग अलग रहेगा। भाई बहन आज हम संसार में हैं, समुद्र में जितनी मछलियां हैं वो नमक में ही रहती है। मैं बीते हफ्ता समुद्र के पास गया था, वहां पर पानी पानी में जाने के चलते मुंह में पानी चला गया था और इतना नमकीन था उल्टी आने के जैसा लगा। भाई बहन मेरी बात को ध्यान, इतना मीठा में इतना नमकीन में मछली रहती है, लेकिन उस मछली को वहां से लाके घर में बनाने के समय में उसमें नमक डालना पड़ता है। आज दुनिया में क्या, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के शिक्षा के साथ हैं, या संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ, संसार के लोगों का शिक्षा के साथ है। आप जिसके साथ है उसके साथ आपकी विश्वास है। अगर आप परमेश्वर परमेश्वर का वचन उसके उपदेश के साथ रहेंगे, आपकी विश्वास बढ़ोतरी के वो बढ़ता रहे, परमेश्वर में आप बढ़ते रहेंगे, प्रभु में आप बढ़ते जाएंगे। आज कहीं अटक गए हैं, यहां पर सात पद में लिखा तुम तो पहले बड़ी बातें दौड़ते थे, बहुत अच्छा से दौड़ते थे, बहुत अच्छा प्रार्थना करते थे, बहुत अच्छा कलीसिया में आते थे, और इतवार के दिन काम काम मिलता था लेकिन काम में नहीं जाते थे। आज बहुत कमाई की भूख लालच बढ़ गया, इसलिए आराधना भी प्रभु को भी छोड़ करके हम काम में चले जाते हैं। पहले तुम बहुत अच्छा से दौड़ता था, लिखा है सात पद में तुम तो बड़ी बाकी दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? कोई भी शैतान या शैतान के मानने वाले आपके ऊपर आपके पीछे पलदार लोगों को देखे बोरा उठाने के समय में फूक मारते, तो वैसे ही आपके पीछे हमेशा फूक मारने वाले लोग पड़े रहेंगे, क्योंकि उनको प्रभु नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग में नहीं चाहिए। वैसा लोग आपके पीछे करेंगे, आपके पीछे फूक मारेंगे और वो आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए अपना पूरा ताकत लगाएंगे। आप किसकी सुनेंगे, आप किसके मानेंगे? अगर आप परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपका दौड़ लगातार चलता रहेगा, आप दौड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, विश्वास में एकदम बढ़ते जाएंगे। अगर आप कान लगा दिए शैतान शैतान के मानने वाले लोगों को, उसी जगह में आपके दौड़ रुक जाएगा। अब आप सोच करके अपने बारे में सोचिए कि आप दौड़ते हैं या एक जगह में रुक गए, एक जगह में रुक गए, या कोई गड्ढा में गिरे हुए हैं, या तीनों बात हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं, इस हालात में मैं हूं। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे लोगों से कह रहा हूं, एक दिन काम को बंद कीजिए, आई चर्च के चाबी लीजिए, उपवास कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हम आपके साथ हैं, आप में लवलीन होना चाहता हूं, आपके वचन में, आपके प्रेम में, आपकी प्रार्थना में, आपकी शक्ति और युक्ति में, आपकी पवित्र आत्मा में, आपके अभिषेक में, आपके वरदानों में, आपके आत्मिक फलों में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझ पर दया कीजिए, परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ाइए, प्रभु आपको उठाएगा। आपने जैसे कहा, अंत में पांचवी बात को बोल रहा हूं, तीन बात को बोल रहा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, विश्वास की बढ़ोतरी कैसे होगी? इब्रानियों के पत्र उसकी पढ़ेंगे 11 अध्याय और उसकी पहला पद, इब्रानियों के पत्र उसकी 11 अध्याय और उसमें पहला पद को पढ़ेंगे। विश्वास अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, ये विश्वास है जो दिखाई नहीं देता। आप जब जैसे विश्वास करेंगे वैसे ही आप परमेश्वर से फल पाएंगे। दुनिया भर में जो किसान है बीज लेकर के जाते हैं खेत में, विश्वास के साथ बीज को खेत में छिड़ देते हैं, बो देते हैं या रोप देते हैं,
या उनको कटनी के समय में मिलता है कि नहीं मिलता है? बोली लगता आप सब कोई राजा परिवार से आए, मैं किसान परिवार से आया। लगता आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका पूरा ज्ञान कहाँ है उसी का दाव कर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ किसान टोकरी में ले जाकर के बीज को अपना खेत में चिट देता, चाहे रोप देता, चाहे बो देता, किस उम्मीद के साथ? उसको विश्वास, मैं एक टोकरी बोऊंगा चिटूंगा अनेक टोकरी मुझको मिलेगी। बोरा में मैं काट रहा हूँ, हालेलुया, टोकरी में बोऊंगा बोरा में लाद के मैं अपने घर में लाऊंगा। ये विश्वास किसने दिया उस किसान को? परमेश्वर को। वो किसी भी धर्म के किसी भी जाति के क्यों न हो, कोई भी किसान बीज बोने से पहले बीज को ईश्वर को दिखाता है, ईश्वर देखिए फल बन गया। आज आप अपने विश्वास के लिए क्या करते हैं? भाई मैंने सुबह के समय में इस बात को समझने की कोशिश की थी, तो अंधे की वस्तु है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर पर आपका जिस तरह का विश्वास है उस तरह का आपके विश्वास में आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसी अध्याय में लिखा है कि विश्वास में आगे बढ़ने वाले कैसे होंगे, थोड़ा फटाफट पढ़ेंगे, 33 पद से पढ़ेंगे, 33 से लेकर 38 पद तक एक साथ जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। 33 से इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त किए, सिंहों के मुंह को बंद किए, आग की ज्वाला के ठंडा किए, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजियों को मार भगाए, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर भी गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान की भागी हो, कई उड़ाए जाने। बस बाकी बातों को बाद में पढ़ लीजिएगा। उनकी उद्देश्य एक ही थी, हमको उत्तम पुनरुत्थान में भाग लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाग लेना, मुझे भी उसकी भागी होना। यीशु की तरह मैं भी मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, यीशु की तरह मैं भी पुनरुत्थान होकर के स्वर्ग राज्य में। कितने लोग वो विश्वास करते हैं, हम भी परमेश्वर के साथ बादलों में किसी दिन पुनरुत्थान होकर स्वर्ग राज्य में पहुंचे। ना तो उठा के एक जोरदार हालेलुया बोले, परमेश्वर हमारे लिए दिन से नियुक्त किया। और दो बात को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, याकूब की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, याकूब की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, उसमें 17 पद को पढ़ेंगे, 17 पद। वैसे ही विश्वास की वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपना स्वभाव में मरा हुआ। विश्वास क्रिया में दिखना चाहिए, अन्यथा विश्वास मरा हुआ। इब्राहिम से परमेश्वर ने किसी दिन बोला कि तुम्हारा बेटा को ले जाकर के मोरिया पर्वत में, वो मोरिया देश में एक पर्वत को मैं दिखलाऊंगा, वहां जाकर के तुम मेरे तुम्हारे बेटा को मेरे लिए बलिदान करो। ले गया कि नहीं गया? विश्वास का प्रमाण यही है, विश्वास क्रिया में दिखाई पड़ती है। ले गया, वहां तलवार उठा के काटने के लिए जब तलवार उठाए तब परमेश्वर उससे बात करता, हे इब्राहिम रुको, तुम्हारे बालक के ऊपर तुम इस तलवार को नहीं बढ़ाओ, रुको। परमेश्वर कार्य करता हमारा विश्वास अनुसार वो प्रतिफल देता है। भाई बहन ध्यान दीजिए, आज जो लड़ाई हो रहा है ना इसराइल देश में, उसी स्थान के लिए लड़ाई हो रही है, वो भी अनेक मुद्दा है, उसमें ये भी एक मुद्दा जहां पर ईसा को उसका पिता इब्राहिम लेटा करके जिस पर्वत पर लेटा करके तलवार उठाया था काटने के लिए, परमेश्वर ने कहा ए इब्राहिम तलवार तुम्हारा बेटा का बदन को और बढ़ाओ, रुक जाओ। उसी जगह में सुलेमान राजा यरूशलेम मंदिर बनाया, उसी जगह में
बनाया हुआ मंदिर अभी भी है, उस मस्जिद के लिए भी, उस मंदिर के लिए भी आज इजरायलियों के साथ अमास जो उग्रवादी का झुंड है, दोनों का आपस की लड़ाइयों का अनेक एजेंडा मुद्दा उसमें ये भी एक मुद्दा है। अंत में पहला यूहन्ना की पत्र उसकी 5 अध्याय उसमें 4 पद, इस वचन के बाद हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 4 पद पढ़ेंगे। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त कर, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है, विजय की संसार की संसार पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास ही संसार पर विजय प्राप्त करने का ताकत देती है। ताली बजा के हमारा ही विश्वास संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए ताकत देती है। हालेलुया, पकड़ के बोले आप ही के विश्वास संसार पर विजय पाने के लिए ताकत देती, इसलिए विश्वास में आगे बढ़ो। हालेलुया, परमेश्वर में दृढ़ रहो, विश्वास में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई बहन सब अपनी जगह में रख दे, हाथ में सही है अपनी जगह में फिर से खड़े हो जाए। हमारे बीच में परमेश्वर घर भाई के साथ, हम परमेश्वर के साथ रहे, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभुष्वी के सामर्थ्य नाम से तुझ में दृढ़ मजबूत लवली अटल रहने के लिए हमारे को अपना सहायता मदद कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तभी हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, अरे लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाइए, अरे लोगों को तुझ में बढ़ते जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। सबको तो आशीर्वाद दे, यहाँ रहने को यहाँ रहने वालों को भी आशीर्वाद दे, और गूगल मीट में जुड़े हुए लोगों को भी आशीर्वाद दे। मेरा अनुग्रह और आशीर्वाद सबको ऊपर होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। ये मेरे मन जोर से बोले यहोवा को धन्यवाद कर, ये मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्यवाद कर, ये मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, और उसकी किसी भी उपकार तू नहीं भूलना। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लोग आने समय पर हम सबों के साथ बने रहने पाए। जोर से बोले एक बार आमीन।